हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर नरेंद्र जोशी आप लोगों के सामने आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ आया हूं। दोस्तों, इंग्लिश के अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा एक प्लेलिस्ट का, उस प्लेलिस्ट में जाएं और वन बाय वन सारे वीडियोस आप देखें तो आपको आज तक के सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे जो हमने पढ़ाए हैं। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। हालांकि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इससे रिलेटेड वीडियो हम पहले बना चुके हैं, ठीक है, तो वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वो भी आप देख लेना। लेकिन आज का टॉपिक ही है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो हम बात करेंगे सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। तो दोस्तों, जब भी हम सेंटेंस कोई फ्रेम करते हैं तो उस सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं महत्वपूर्ण, ध्यान रखना। एक तो होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। कहने का मतलब कोई या कुछ जिसके बारे में बात हो वो होता है सब्जेक्ट, और जो कुछ भी बात होती है वो कहलाता है प्रेडिकेट। तो चलिए इस टॉपिक को अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जब हम वाक्य बनाते हैं तो व्यक्ति या वस्तु को नाम देते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब हम वाक्य बनाते हैं तो व्यक्ति या वस्तु को नाम देते हैं, मतलब कोई पर्सन और थिंग को हम क्या करते हैं, नाम देते हैं, उनको नेम करते हैं, ठीक है। व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ बताते हैं, कहने का मतलब उनके बारे में कुछ तो बताना ही पड़ेगा, ये है क्या। अर्थात हमारे पास कुछ या कोई ऐसा होना चाहिए जिसके बारे में क्या हो, बात हो। कोई या कुछ जिसके बारे में बात हो वही कहलाता है सब्जेक्ट। जैसे नरेंद्र मोदी भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, तो यहां पर किसके बारे में बात हो रही है, यहां पर बात हो रही है नरेंद्र मोदी के बारे में। तो ये जो नरेंद्र मोदी जो मैंने वर्ड यूज किया है, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये इसके बारे में क्या बात हुई, ये कहलाएगा आपका प्रेडिकेट, ठीक है। तथा हमारे पास इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहने के लिए हो वो कहलाता है आपका प्रेडिकेट, ठीक है दोस्तों। तो सब्जेक्ट कोई या कुछ जिसके बारे में बात हो, प्रेडिकेट जो बात हो वो कहलाता है प्रेडिकेट, ठीक है। इस प्रकार प्रत्येक वाक्य के दो हिस्से रखता है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार कोई भी सेंटेंस है वो दो पार्ट्स रखेगा, टू पार्ट्स रखेगा, ठीक है। वह हिस्सा जो उस व्यक्ति या वस्तु को बताए जिसके बारे में बात हो रही हो। जी हाँ दोस्तों, पहला पार्ट तो वो है जो उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात को बताए, वो कहलाएगा सब्जेक्ट। अच्छा, जो बात कही जा रही है वो हिस्सा कहलाएगा आपका प्रेडिकेट, ठीक है दोस्तों। क्लियर है, कहने का मतलब सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो, जो बात हो वो कहलाएगा प्रेडिकेट। अच्छा, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, जब आपको पता है कि हम सेंटेंस को कुछ इस तरीके से डिजाइन करते हैं, आपको ध्यान हो तो हमने बताया था सेंटेंस जब स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, सेंटेंस का कोई भी सेंटेंस फ्रेम किया जाता है तो उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, उसके बाद आपका होता है वर्ब, और उसके बाद आपका होता है ऑब्जेक्ट, ये होता है। तो यहां पर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि दोस्तों, ये जो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट है ही, लेकिन वर्ब और ऑब्जेक्ट ये जो कहानी है, ये कहानी जाती है आपकी प्रेडिकेट की। किसकी जाती है, प्रेडिकेट की। कहने का मतलब वर्ब और उसके बाद वाला हिस्सा बनेगा आपका प्रेडिकेट, ध्यान रखना दोस्तों, वर्ब प्लस बाद वाला हिस्सा बनेगा प्रेडिकेट। अच्छा, इसको यहां हम समझते हैं एग्जाम्पल से। अब देखें, एग्जाम्पल फर्स्ट गिवन है, यहां पर हमने लिख रखा है द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम। देखें, द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम, यहां पर देखें गीज के कैकलिंग ने सेव किया किसको, रोम को। यहां पर बात किसके बारे में हो रही है, यहां पर बात हो रही है कैकलिंग ऑफ गीज, मतलब कैकलिंग एक साउंड का नाम है, साउंड का नाम दे रखा है, जैसे चिड़िया होती है, बर्ड्स होते हैं वो चिरपिंग करते हैं ना, वैसे गीज, गीज का कलहंस, गूज का प्लूरल है गीज, कलहंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, कैकल करते हैं, ठीक है। तो उनके कैकल ने सेव किया किसको, रोम को। अब देखें किसके बारे में बात हो रही है, द कैकलिंग ऑफ गीज, तो ये पार्ट हो गया आपका पूरा सब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। उन्होंने किसको बताया, सेव्ड रोम, किसको बचाया, रोम को बचाया, तो ये हो गया आपका वर्ब और उसके बाद वाला हिस्सा, तो ये कहलाएगा आपका पूरा प्रेडिकेट, ध्यान रखना दोस्तों। ये कैकलिंग, द कैकलिंग ऑफ गीज सब्जेक्ट और सेव्ड रोम, ये आपका बन गया प्रेडिकेट, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, नेक्स्ट सेंटेंस है
बोरोड गारमेंट्स नेवर फिट वेल, बोरोड गारमेंट्स नेवर फिट वेल, उधार लिए हुए कपड़े कभी फिट नहीं आते हैं। तो यहां पर बात किसके बारे में हो रही है, यहां पर बात हो रही है बोरोड गारमेंट्स की, बोरोड गारमेंट्स के बारे में बात हो रही है। तो ये बन गया आपका सब्जेक्ट नेवर फिट वेल, ये आपका हो गया प्रेडिकेट। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका प्रेडिकेट। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज की कि किस प्रकार हम एक्सरसाइज को करें। तो देखिए दोस्तों, एक्सरसाइज में पहला सेंटेंस है ही हैज गुड मेमोरी, वो रखता है अच्छी मेमोरी। किसके बारे में बात हो रही है यहां पर, यहां पर बात हो रही है वो या वह के बारे में, ही के बारे में। और जिसके बारे में बात होती है वो क्या बनता है दोस्तों, सब्जेक्ट। हैज रखता है गुड मेमोरी, अब देखें वर्ब और उसके बाद का जो भी हिस्सा है ये आपका बन जाएगा प्रेडिकेट, क्योंकि ये कुछ बता रहा है किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में। तो ये हो गया आपका प्रेडिकेट, क्लियर है दोस्तों। अब देखो अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस है वी कैन नॉट पंप द ओशियन ड्राई, हम समुद्र को नहीं सुखा सकते। वी कैन नॉट पंप द ओशियन ड्राई का मतलब है समुद्र को नहीं सुखा सकते। ठीक है, तो यहां पर किसके बारे में बात हो रही है, सबसे पहले देखें यहां पर समुद्र के बारे में बात नहीं हो रही, यहां पर बात हो रही है वी के बारे में, कोई या कुछ जिसके बारे में बात हो वो है वी। कैन नॉट पंप द ओशियन ड्राई, हम समुद्र को नहीं सुखा सकते, ये बात हुई है इसके बारे में। तो ये वर्ब और उसके बाद वाला हिस्सा पूरा क्या बन जाएगा आपका, प्रेडिकेट। जी हां दोस्तों, बन गया क्या आपका, प्रेडिकेट। अगला सेंटेंस देखें दोस्तों, अगला सेंटेंस है नंबर थ्री, एडिसन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ, एडिसन ने इन्वेंट किया किसका, फोनोग्राफ का आविष्कार किया, किसका, फोनोग्राफ का आविष्कार किया। अब देखें यहां पर किसके बारे में बात हो रही है, कोई या कुछ जिसको नाम दिया गया है वो है एडिसन। तो ये आपका हो गया दोस्तों सब्जेक्ट। ठीक है, क्या बात हो रही है, इन्वेंटेड द फोनोग्राफ, तो देखिए वर्ब और उसके बाद वाला हिस्सा ये आपका हो गया प्रेडिकेट। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। अगला सेंटेंस देखें, नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन, जो नेचर है प्रकृति है वो ही सबसे अच्छा फिजिशियन है। यहां पर किसके बारे में बात हो रही है दोस्तों, यहां बात कर रहे हैं हम नेचर के बारे में, क्या बात कर रहे हैं उसके बारे में, इज द बेस्ट फिजिशियन, वो क्या है, बेस्ट फिजिशियन है। तो नेचर आपका क्या बन गया यहां पर, नेचर बन गया आपका सब्जेक्ट, और बेस्ट इज द बेस्ट फिजिशियन आपका बन गया यहां पर प्रेडिकेट। तो दोस्तों ये क्लियर हो गया है। दोस्तों यहां देखते हैं अगला सेंटेंस, ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स लिव्स अ हर्मिट, ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट, हिल के टॉप पर रहता है एक साधु हर्मिट। देखें दोस्तों यहां पर किसके बारे में बात हो रही है, यहां थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है सेंटेंस, कंफ्यूज हो सकते हैं ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव से, लेकिन आपको ध्यान रखना दोस्तों यहां पर हिल की बात नहीं हो रही है, टॉप की बात नहीं हो रही है, यहां पर बात हो रही है हर्मिट की, और जिसके बारे में बात होती है वो होता है सब्जेक्ट। तो यहां पर है हर्मिट आपका सब्जेक्ट। जी हाँ दोस्तों, हर्मिट क्या है आपका, सब्जेक्ट है। ठीक है, अब देखें उसके बारे में बात क्या हो रही है, ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स, ये पूरा हो गया आपका प्रेडिकेट। ध्यान रखना दोस्तों यहां पर एक्चुअल में क्या है, ये ऑन द टॉप ऑफ द हिल ये एक्चुअल में क्या है, एक एडवर्बियल एक्सप्रेशन है प्लेस के लिए जिससे सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, और एडवर्बियल एक्सप्रेशन जो प्लेस के लिए आते हैं अगर उनसे सेंटेंस की शुरुआत होती है तो वहां हम रूल ऑफ इन्वर्जन लगाते हैं, कहने का मतलब सब्जेक्ट से पहले वर्ब रख देते हैं। देखें सब्जेक्ट से पहले वर्ब है। ठीक है, तो ये टॉपिक हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए केवल इतना समझें कि यहां पर हर्मिट सब्जेक्ट है और ये क्या हो गया आपका, प्रेडिकेट हो गया है। अगला सेंटेंस देखें दोस्तों, द ड्यू ड्रॉप्स ग्लिटर इन द सनशाइन, जो ड्यू ड्रॉप्स हैं वो ग्लिटर करती हैं, चमकती हैं किसमें, सनशाइन में। अब यहां बात कर रहे हैं द ड्यू ड्रॉप्स, ये हो गया आपका पूरा सब्जेक्ट। अब अगला जो पार्ट है, अगला पार्ट है ग्लिटर इन द सनशाइन, ये आपका हो गया प्रेडिकेट। ठीक है दोस्तों, अगला सेंटेंस देखें, नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स, कोई भी व्यक्ति दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता। अब देखें नो मैन सब्जेक्ट हो गया आपका, क्या बात हो रही है उसके बारे में, कैन सर्व टू मास्टर्स, ये हो गया आपका प्रेडिकेट। अगला सेंटेंस देखें दोस्तों, यहां पर देखें वी शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस, हमें एक्सपीरियंस से प्रॉफिट लेना चाहिए। ठीक है, यहां पर वी के बारे में बात हो रही है तो सब्जेक्ट शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस, ये देखो पूरा वर्ब और उसके बाद वाली कहानी है, तो ये हो गया आपका प्रेडिकेट। अगला सेंटेंस देखें दोस्तों, द ब्यूटिफुल रेनबो सून फेडेड अवे, जो ब्यूटिफुल रेनबो, रेनबो का मतलब है इंद्रधनुष निकलता है ना बारिश के बाद। ठीक है, द ब्यूटिफुल रेनबो सून फेडेड अवे, वो जल्दी क्या हो गया, फेड हो गया, गायब हो गया, उड़ गया। ठीक है,
तो द ब्यूटीफुल रेनबो के बारे में बात हो रही है, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है। क्या बात हो रही है? सून फेडेड अवे, ये हो गया आपका प्रेडिकेट। अगला सेंटेंस देखें दोस्तों, द अर्ली बर्ड कैचेज द वर्म, ठीक है। यहां पर किसके बारे में बात हो रही है? यहां पर बात हो रही है आपकी द अर्ली बर्ड, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। क्या बात हो रही है? कैचेज द वर्म, ये हो गया आपका प्रेडिकेट, ठीक है। अगला सेंटेंस देखें दोस्तों इसी प्रकार, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, यहां पर किसके बारे में बात हो रही है? यहां बात हो रही है दिल्ली के बारे में, तो हो गया सब्जेक्ट। क्या बात हो रही है उसके बारे में? इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये हो गया आपका प्रेडिकेट। अगला सेंटेंस देखें दोस्तों, बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्सियसली, बुरी आदतें ग्रो कर जाती है अनकॉन्सियसली, तो यहां पर बात किसके बारे में हो रही है? बैड हैबिट्स की। क्या बात हो रही है? ग्रो अनकॉन्सियसली, ये हो गया आपका प्रेडिकेट। सब्जेक्ट है बैड हैबिट्स और ग्रो अनकॉन्सियसली हो गया आपका प्रेडिकेट। अगला सेंटेंस देखें दोस्तों, द चिरपिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट्स अस, यहां पर किसके बारे में बात हो रही है? यहां पर बात हो रही है द चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, पक्षियों की चहचहाट डिलाइट्स अस, हमें क्या करती है? आनंद देती है, खुश करती है, तो ये हो गया आपका प्रेडिकेट। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हमने टॉपिक पढ़ा है कि क्या तो सब्जेक्ट होता है और क्या प्रेडिकेट होता है। कहने का मतलब सेंटेंस को यहां पर केवल हम दो हिस्सों में बांट रहे हैं, एक तो सब्जेक्ट है और दूसरा है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट कोई या कुछ जिसके बारे में बात की जा रही है वो सब्जेक्ट है, और उसके बारे में जो भी बात की जा रही है वो है प्रेडिकेट। कहने का मतलब वर्ब और उसके बाद का हिस्सा जो आता है रिमेनिंग सब्जेक्ट को छोड़कर, वो आपका कहलाता है प्रेडिकेट। होप करता हूं कि आपको आज का टॉपिक बहुत पसंद आया होगा और समझ में भी अच्छे से आ गया होगा। अगर आपको टॉपिक ये बहुत अच्छे से समझ में आया है, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो गया है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस YouTube चैनल को अभी की अभी सब्सक्राइब करें। नो एरर इंग्लिश क्लासेस से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।